सो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला तीन है. नंबर वन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. नंबर टू, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला. नंबर थ्री, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला. आपको डायमेंशनल फॉर्मूला की तीन एप्लीकेशंस पढ़नी है. नंबर वन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला. फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट वन न्यूटन इनटू डाइम. न्यूटन भी फोर्स यूनिट है और डाइम भी. न्यूटन फोर्स की यूनिट है एमकेएस सिस्टम, या फिर कह लो एसआई सिस्टम्स पड़े हैं ना. कौन कौन से होते हैं? एफपीएस, सीजीएस, एसआई, एमकेएस. एसआई और एमकेएस सेम ही है, कोई चेंज नहीं, राइट. एफपीएस कभी पूछा नहीं जाता बिकॉज बहुत डिफिकल्ट है. एफपीएस में चेंज करोगे तो पॉइंट्स में आंसर आएगा. आपने देखा है ना, कभी पाउंड और किलो कन्वर्ट करोगे तो पागल हो जाओ. बहुत मैथमेटिक्स रहती है, राइट. लोग कहते हैं कि दो पाउंड का एक किलो होता है, परफेक्ट एक किलो नहीं होता दो पाउंड का, कुछ पॉइंट्स में आता है, राइट. तो एफपीएस से डील नहीं करना. आपको जो कन्वर्जन ऑफ यूनिट आएगी वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एसआई को किसमें कन्वर्ट करना है? सीजीएस. न्यूटन इज एसआई, डाइम इज सीजीएस. फोर्स को सीजीएस में क्या कहते हैं? डाइम. एसआई या एमकेएस में क्या कहते हैं? न्यूटन. सिमिलरली एनर्जी, एसआई में कहते हैं जूल और सीजीएस में क्या कहते हैं? अर्थ. ये वर्ड सुना है तुमने? तो आपको ठीक है, आप सुन लो. सीजीएस में एनर्जी का दूसरा नाम क्या है? अर्थ. जैसे एसआई में कहते हैं ना इतने जूल ऑफ एनर्जी, इतने जूल ऑफ वर्क, ऐसी सीजीएस में है अर्थ. एक और है सीजीएस में जिसको आप कहते हो कैलोरी, वो तो सुनाओ. बट अपन को कन्वर्ट किसमें करना है? अर्ग, राइट. सो वी वॉन्ट टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला. तो एप्लीकेशन नंबर वन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. देखो बहुत सिंपल, आप किसी भी क्वांटिटी को किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में रखो, उसका मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होता. फॉर एग्जांपल, 10 मीटर, राइट, 1000 सेंटीमीटर, दोनों सेम है, कोई इश्यू तो नहीं. 10 मीटर वो क्या कह सकते हैं? 1000 सेंटीमीटर कह सकते हैं. तो चाहे तुमने सिस्टम ऑफ यूनिट को एसआई में रखा हो, चाहे तुमने सिस्टम ऑफ यूनिट को किस में रखा हो? सीजीएस में. क्वांटिटी की वैल्यू चेंज हुई क्या? नहीं, द क्वांटिटी इज सेम. यू कैन सिमिलरली राइट क्यू इज इक्वल्स टू एन वन यू वन इज इक्वल्स टू एन टू यू टू, वेयर एन वन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट एंड यू वन इज द यूनिट इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट. N2 is the numerical value in another system of unit and centimeter U2 is the unit in another system of unit. So N1 U1 is equals to N2 U2. आपको गिवन है एक न्यूटन को डाइम में कन्वर्ट करना है. आपको देखो N1 गिवन कितना है? 1. आपको फाइंड आउट क्या करना है? N2. क्या फाइंड आउट करना है? N2. के एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? वन न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? सो यू हैव एन वन और आपको पहले की यूनिट पता है न्यूटन. यू हैव एन टू नहीं है. यू हैव टू कैलकुलेट कि एक न्यूटन में कितने डाइन होंगे. बट यू हैव यू टू दैट इज डाइन. बाय यूजिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन टू. इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एन टू. यहीं से समझ में आ जाएगा. N2 is equals to
कितना हो जाएगा एन वन यू वन अपॉन यू टू हो जाएगा, और आई कैन राइट एन वन बाहर ले लो यू वन अपॉन हो जाएगा। ठीक है, आपको यू वन और यू टू पता होने चाहिए, यू कैन कैलकुलेट एन टू बहुत आसानी से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा कि एन वन की कुछ वैल्यू आपको गिवन रहेगी, यू वन इज द यूनिट इन वन सिस्टम जिसको आप लिख सकते हो एम वन की पावर ए, एल वन की पावर बी और टी वन की पावर सी, राइट। यू टू दूसरे सिस्टम में जिसको आप लिख सकते हो एन टू की पावर ए, एल टू की पावर बी एंड टी टू की पावर सी। समझ में ये क्या लिख रहा हूं, फोर्स को आप लिख सकते हो 10 केजी, क्या होता है यूनिट फोर्स का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर लिख सकते हो एन टू जो आपको नहीं पता, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते थे। तो आप देख पा रहे हो आपका एम वन एम टू अलग अलग है, एक जगह केजी है एक जगह ग्राम है, एल वन एल टू अलग अलग है, एक जगह मीटर है एक जगह सेंटीमीटर है, और टी वन टी टू भी सेम किस्मत से मिल गए पर अलग अलग भी हो सकते थे, यहां सेकेंड हो सकता था यहां आर, बट सेकेंड सेकेंड है तो कोई बात, अभी मान लो वो टी वन और टी टू ही है। तो आप देख पा रहे हो कि आपके एम वन एम टू एल वन एल टू टी वन टी टू अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में अलग अलग है बट उनकी पावर हमेशा सेम। देखो यहां पे केजी के ऊपर एक की पावर है, यहां पे ग्राम के ऊपर एक की पावर, यहां पे मीटर के ऊपर एक की पावर है, यहां पे सेंटीमीटर के ऊपर है, यहां पे सेकेंड स्क्वायर है, यहां पे भी सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने U1 को कंसीडर किया है M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C, U2 को कंसीडर किया है M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C, बिकॉज पावर सेम है, ये केजी है ये ग्राम, ये मीटर है ये सेंटीमीटर, ये सेकेंड है ये सेकेंड है, कोई बात नहीं T1 T2 ले लो, राइट। तो मेरा कहने का मतलब है आप सिस्टम ऑफ यूनिट को इस फॉर्म में लिख सकते कि ये वैल्यूज उठाई जाए और इस फॉर्मूले में क्या कर दी जाए, पुट करिए पुट। अगर पुट करोगे तो एन वन तो आ जाएगा बाहर, अंदर है यू वन अपॉन यू टू, मतलब दिस अपॉन दिस, जिसको मैं लिख सकता हूं एम वन अपॉन एम टू की पावर ए मल्टीप्लाई L1 अपॉन L2 की पावर B मल्टीप्लाई T1 अपॉन T2 की पावर C। और साथ में क्या है N, दिस इज द फॉर्मूला फॉर N2, N2 इज इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर। इसका यूज करके आप निकाल सकते हो कि N2 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब एक न्यूटन में कितने डाइम होंगे बाय यूजिंग दिस। कितना आसान है, ये डेरिवेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जब वैल्यूज रखोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा, यू कैन इजीली कैलकुलेट कि एक न्यूटन में कितने डाइम होते, बहुत आसानी से आएगा। अभी मैं सिखाता हूं, फिलहाल के लिए मैंने क्या कहा कि आप 10 मीटर को 1000 सेंटीमीटर कह सकते हो कि नहीं, दोनों ही केस में क्वांटिटी चेंज हुई क्या, नहीं, क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, चाहे उसको तुम 10 मीटर कहो चाहे 1000 सेंटीमीटर कहो, दोनों क्या होते हैं सेम, 10 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर, क्वांटिटी चेंज नहीं होती। वैल्यूज क्या चेंज होती है, ये एन वन यू वन और एन टू यू टू चेंज होती है, इसमें से क्वेश्चन में आपको तीन गिवन रहता है एक निकालना पड़ता है, आपको एन वन गिवन रहेगा, यू वन गिवन रहेगा, यू टू गिवन रहेगा, आपको एन टू निकालना है। देखो
आपको एक गिवन है, न्यूटन गिवन है, डाइम गिवन है, आपको क्या निकालना है कि कितने डाइम होते। यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन। कैसे निकालोगे? यस, एन टू इज इक्वल टू एन वन, एम वन अपॉन एम टू ए, एल वन अपॉन एल टू बी, टी वन अपॉन टी टू सी। क्योंकि आप यूनिट्स को इस फॉर्म में लिख सकते हो। यह मैंने समझाया कि आप न्यूटन को कैसे लिख सकते हो? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में लिख सकते हो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपका एम वन एम टू एल वन एल टू टी वन टी टू चेंज हो सकता है, लेकिन इनके ऊपर जो पावर्स है ए बी और सी वो चेंज हो सकती है क्या? वेरी गुड, दिस वी आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट एंड वी विल फाइंड कि एक न्यूटन में कितने डाइम होते हैं। देखो कितना आसान है फाइंड करना। सब लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। बाकी इधर देखो, कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करके एक न्यूटन में कितने डाइम है वो निकाला जा रहा है। किसको कन्वर्ट कर रहे हैं? फोर्स। यू शुड नो द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। एफ इज इक्वल टू कितना होता है? एम एल टी माइनस। कोई दिक्कत नहीं, इसको देख के बता सकते हो। ए कितना है? वन। एक्सीलेंट। बी वन, सी माइनस। इस इक्वेशन ए बी और सी की वैल्यू तो ठीक है। और देख, यू वन इज इक्वल्स टू एम वन की पावर ए, एल वन की पावर बी और टी वन की पावर सी। यू टू इज इक्वल्स टू एम टू की पावर ए, एल टू की पावर टी टू की पावर। अब मैं आपसे पूछूं एम वन कितना है, तो आप कहोगे ऐसा ही है, तो कहोगे एक के जी। कितना है? वन के जी। आपसे पूछा जाए एल वन कितना है, आप कहोगे एक मीटर। और आपसे पूछा जाए टी वन कितना है, आप कहोगे कोई दिक्कत। आपसे पूछा जाए एम टू कितना है, आप कहोगे वन ग्राम। सीजीएस में कन्वर्ट करना है। आपसे पूछा जाए एल टू कितना है, आप कहोगे एक सेंटीमीटर। और फिर आपसे पूछा जाए टी टू, तो आप फिर से कह दोगे कोई दिक्कत। ये लिखा फॉर्मूला, वैल्यू कर दो पुट। एन टू इज इक्वल्स टू एन वन कितना था? एक। कितना है? वन। ब्रेक इट। एम वन अपॉन एम टू की पावर ए, मतलब कि वन केजी अपॉन वन ग्राम की पावर कितनी आई? आगे बढ़ो। एल वन अपॉन एल टू की पावर बी, एल वन है वन, एल टू है वन की पावर फिर से राइट। टी वन अपॉन टी टू मतलब वन सेकेंड अपॉन वन सेकेंड की पावर माइनस वन की पावर कितनी भी जाए क्या आता है? वन। तो इसका तो कोई काम है, चला जाए। देख किससे किस में कन्वर्ट कर रहे हो? एसआई से सीजीएस। तो जितनी भी नीचे सीजीएस वाली या ऊपर एसआई वाली यूनिट्स लिखी है उनको किस में कन्वर्ट कर दो? सीजीएस। वन आ जाओ अंदर। एक केजी को लिख सकते हो एक हजार ग्राम। नीचे क्या है? वन ग्राम की पावर कितनी है? वन। एक मीटर को लिख सकते हैं सौ सेंटीमीटर अपॉन वन सेंटीमीटर की पावर कितनी है? वन। और ये तो गया, एक सेकंड से एक सेकंड कैंसल हो गया और ऊपर पावर माइनस टू थी तो उसका कोई मतलब है नहीं। एक की पावर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं। ये तो तुम्हारा क्या कितना आ गया? वन राइट। ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, मेरा एन टू टेन की पावर फाइव आते दिख रहा है। मतलब एक न्यूटन में कितने डाइम होते हैं? टेन पावर। This is called the conversion of। कुछ नहीं करना, आपको सीधा क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट वन न्यूटन इंटू डाइम। आप लिखना एन वन इज इक्वल टू वन, एन टू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
फोर्स को कन्वर्ट कर रहे हो तो लिखना डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स, एफ इज इक्वल्स टू एम एल टी माइनस, इसको देख के आपको ए बी और सी तो पता पड़ गया, ए कितना है वन, बी कितना है वन और सी कितना है माइनस, लिख दिया राइट। अब आपको एम वन एम टू चाहिए, एल वन एल टू चाहिए, पी वन पी टू, सब पता है। पहले एम वन मतलब एसआई की बात कर दो, एन वन के साथ क्या था यू वन था, मतलब एसआई की बात हो रही, तो एम वन कितना हो जाएगा वन किलोग्राम, एल वन कितना हो जाएगा वन मीटर, और टी वन कितना हो जाएगा वन सेकेंड। सिमिलरली एम टू वन ग्राम, क्योंकि किसमें कन्वर्ट कर रहे हो सीजीएस, और उसके बाद एल टू वन सेंटीमीटर और टी टू वन सेकेंड। ये रहा फॉर्मूला पुट कर, ये मैंने सबको पुट कर दिया। आप जिससे जिसमें कन्वर्ट कर रहे हो उसकी यूनिट क्या कर लो कन्वर्ट। आप एसआई से किसमें जा रहे हो ग्राम में, तो क्या लिख सकते हो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, तो 1 केजी को 1000 ग्राम, यहां पे मीटर को सेंटीमीटर में कर लो तो 1000, सब कैंसिल हो जाएगा, एन टू आ जाएगा 10 की पावर, कोई इशू, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं, फिर से समझा दूंगा पूरा शुरू से, अगर इशू हो तो पूछ लो, नहीं है तो कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्थ। चलो ये भी एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करना है, चलिए बताइए 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, शाबाश लिखवा दूंगा सब, परेशान मत होना, रफ में पीछे सॉल्व करो, 1 जूल में कितने अर्ग है, कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्थ, शाबाश। दोज हू ज्वाइन लेट ऑनलाइन बेटा, यू शुड नो दैट द क्लास स्टार्ट्स एट 6:05, आपका स्टार्टिंग में कुछ भी निकलेगा समझ में नहीं आएगा, बिकॉज द टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट राइट। बिल्कुल बेसिक से करिए, ए बी और सी की वैल्यू निकालिए, फिर एम वन एम टू सॉरी एल वन एल टू टी वन टी उनकी वैल्यूज निकालिए, पुट करिए और आंसर निकालिए। मैकेनिक्स की सारी क्वांटिटीज एम एल और टी में डील हो जाती तो आपको इससे बाहर जाने की जरूरत है नहीं। आ गया सबको, हाँ अपोजिट जेंडर क्या है? ऑनलाइन आया किसी का?
देखिए चलिए 10^7 आएगा, बहुतों का आ गया, अच्छी बात। आपको एक जूल में कितने अर्ग होते हैं पता कर, राइट राइट, मतलब किसकी बात हो रही है, एनर्जी या वर्क या जो कुछ भी कह लो। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस, ये होता है, मतलब कि ए कितना है 1, बी कितना है 2 और सी कितना है माइनस। करते जाओ, एम वन इज इक्वल्स 1 kg, एसआई में डील कर रहे हैं, एल वन इज इक्वल्स टू 1 meter एंड टी वन इज इक्वल्स टू 1, एम टू इज इक्वल्स टू 1 gram CGS में कन्वर्ट कर लो, एल टू इज इक्वल्स टू 1 centimeter, टी टू इज इक्वल्स टू 1, कोई दिक्कत? M1, M2, L1, L2, T1, T2, A, B, C सब गिवन, ये रखा फॉर्मूला, रख दो, N2 इज इक्वल्स N1 कितना है 1, ब्रैकेट M1 अपॉन M2, 1 kg अपॉन 1, अब पावर कितनी आएगी, L1 अपॉन L2 मतलब 1 meter अपॉन 1 पावर आएगी 2, और T1 अपॉन T2 मतलब 1 sec अपॉन 1 sec पावर आएगी माइनस। देखो कर दो कन्वर्ट, 1 kg को 1000 ग्राम लिख सकते हैं, लिख दो 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम की पावर 1। यहां पे आप 1 meter को लिख सकते हो 100 centimeter अपॉन 1 centimeter की पावर 2, राइट? ये तो फिर से क्या कितना आ जाएगा 1, बिकॉज सेकंड से सेकंड कैंसिल, अच्छा 1, 1 की पावर कुछ भी हो क्या आता है 1, यहां पे ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, कितना बचा, यहां तो बचा 1000 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे 100 की पावर 2 है, मतलब 4 0 कितने 4, 1 2 3 4 3 ये है, 4 ये है, 10 की पावर सिंपल अलवा पूरी है क्या कुछ ऐसे करना है कन्वर्जन ऑफ, आप बनेगा कोई इश्यू तो नहीं, लिखे यूजेस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, हेडिंग डाल ली, या तो एप्लीकेशन डाल लो या यूजेस, यूजेस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, नंबर 1 कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, नंबर 1 कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, इसके अंदर लिखिए दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that magnitude of the physical quantity, that magnitude of the physical quantity magnitude of the physical quantity
कैपिटल क्यू ऐसे रिमेंस सेम क्यू हा रिमेन्स सेम वॉट एवर इज द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट वॉट एवर इज द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट फुल स्टॉप Q is equals to N1 U1 is equals to N2 U2. देखिए हाँ लाइन नीचे लाइन Q is equals to N1 U1 is equals to N2 U2. फिर से लाइन चेंज करिए वेयर U1 and U2 are the units of measurement. U1 and U2 are the units of measurement and N1 and N2 N1 and N2 are their numerical values. Line change. It implies that N2 is equals to N1 U1 upon U2. उसके नीचे इफ U1 इज इक्वल्स टू M1 की पावर A, L1 की पावर B, P1 की पावर C एंड U2 इज इक्वल्स टू M2 की पावर A, L2 की पावर B, P2 की पावर C. Therefore, लिख लीजिए पूरा इस वाले पेज पे जो लिखा है इस साइड में लिख लीजिए सुबह लग रही है सर हाँ अभी तो मॉर्निंग में लग रही है बिकॉज हॉलीडेज है स्कूल की जब स्कूल लगने लगेंगे तो फिर इवनिंग में हो जाएगी वो 5 से 6 8 से 9 में भेज दीजिए या 9 से 10 में किसी ने भी दोनों बैच लग रहे हैं दोनों सेम चल रहे हैं तो 8 से 9 में भी भेज सकते हैं केमिस्ट्री का सर केमिस्ट्री का सब कुछ सब कुछ आप उसको भेज दीजिएगा मैं बता दूंगा साल का रहेगा कोर्स का रहता है 6000 अब आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो सब अच्छा आप यही हो क्या अच्छा 33 साल की सर्विस अरे बाप रे क्या नाम है आपका क्या नाम है लड़की का अच्छा नाम है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है अभी तो लिख लिया क्वेश्चन कन्वर्ट 1 newton into time.
वन न्यूटन इंटू टाइम, लिख लिया डब्ल्यू के टी, मतलब वी नो दैट डब्ल्यू के टी कॉमा वी नो दैट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स dimensional formula for force F is equals to MLT minus 2. MLT minus 2. Second step, it implies that A is equals to 1, B is equals to 1, C is equals to minus 2. इसके बाद वी हैव टू कन्वर्ट, इसके बाद वी हैव टू कन्वर्ट एमकेएस इंटू सीजीएस सिस्टम, एमकेएस इंटू सीजीएस सिस्टम लाइन चेंज देयरफॉर जब भी बोलू ना तो तीन डॉट बनाना है, कहीं पे भी लिखना नहीं है, हैबिट डाल लो. वेर एवर आई से देयरफॉर यू विल मेक द थ्री डॉट्स, वेर एवर आई से सिंस ये तीन डॉट्स कैसे हो जाएंगे उल्टे, लिखना नहीं है कहीं, देयरफॉर लिख लो एम वन एल वन टी वन, कैपिटल लिखना स्मॉल मत लिखना, अपन ने कैपिटल लिया. लिख लो राइट. आप चाहे आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव होना है, अब एमसीक्यू नहीं होना, तो आपको तरीके से लिखने के मार्क्स मिलेंगे. राइट. अगर आप तरीके से लिखोगे नहीं तो दे विल डिडक्ट योर मार्क्स. डन. हो गया सबका. वो कन्वर्ट वन जूल इंटू अर्थ लिख लीजिए और उसको पेज छोड़ दीजिए. अब कर लोगे ना, कोई इश्यू तो नहीं. कन्वर्ट वन जूल इंटू अर्थ. जूल को अर्घ में करना है. ठीक है, अभी कराया था पहले.
वही कर लेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर टू, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। अब ये दोनों बहुत सिंपल, ये तो बहुत ही सिंपल है, हलवा पूरी है, इसके बाद वाली भी सिंपल। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, चेक करना है कि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, राइट। कैसे चेक करेंगे, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है, लिख बाद में लेगा, इधर देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है कि जैसे कि मैं उस दिन भी बोल रहा था, आप कोई भी क्वांटिटी को किसी भी क्वांटिटी में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जिन क्वांटिटी के डायमेंशन सेम होंगे वो क्वांटिटीज या तो ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट। यू कैन नॉट ऐड मास इनटू वेलोसिटी, कर सकते हो क्या? नहीं। आपका मास में क्या ऐड होगा? मास। वेलोसिटी में क्या ऐड होगी? वेलोसिटी। यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट एक्सेलरेशन फ्रॉम टाइम, एक्सीलरेशन में से एक्सीलरेशन ही सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब कि आप सिर्फ उन फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिनके डायमेंशंस क्या हो, सेम। इसी बेसिस पे आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है किसी भी फॉर्मूले के दोनों तरफ के जो टर्म्स हैं उन दोनों तरफ के टर्म्स के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब जाके वो फॉर्मूला क्या होगा, करेक्ट। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशंस ऑफ टर्म्स ऑन बोथ द साइड ऑफ द फॉर्मूला वुड बी सेम, देन ओनली द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, टी इज इक्वल्स टू होता है 2 pi रूट एल अपॉन जी। ये फॉर्मूला देखा है? नहीं देखा? ओके, जो देखा है उससे दिखाते हैं। F इज इक्वल्स टू होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। यह फॉर्मूला देखा है? नाउ वी हैव टू चेक दैट दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। LHS उठाओ और उसके डायमेंशंस चेक करो, RHS उठाओ और उसके डायमेंशंस चेक करो। अगर LHS में पाए जाने टर्म्स और RHS में पाए जाने वाले टर्म्स के डायमेंशंस सेम आते हैं, इसका मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनली क्या है, करेक्ट। करेक्ट LHS F इज इक्वल्स टू एम एल टी माइनस RHS, राइट। जी, जी का डायमेंशन फॉर्मूला कल निकलवाया था, कितना था, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। चेक करो, बैठे यहां पर देख रहे हैं, हमें कौन सा याद है, यही है मतलब याद है, फिर भी देख लो, पता पड़ा गलत है, बेइज्जती हो जाए। देख लिया, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, ओके, जी का रख दिया। एम वन का क्या होगा, एम और M2 का भी क्या होगा, M। R स्क्वायर का मतलब L स्क्वायर, डिस्टेंस R का डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर L स्क्वायर। करना जरा कैंसिल, ये तो गया, ये बचा 1, M की पावर माइनस 1 N की पावर 2 तो बचा M, 2 माइनस 1 मतलब M। तो देखो M बचा, L बचा और T की माइनस। LHS इज इक्वल्स टू RHS, फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। क्या था हलवा पूरी, ये फॉर्मूला पता नहीं आपने कैसे नहीं देखा, पिछली बार वाले जो 11th में आए थे उन्होंने देखा था, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम कट गया, क्या क्या कटा है, पढ़ लेते यार, ऐसा साउंड कट गया था ना,
बाप रे। टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम होता है टी इज इक्वल्स टू 2π रूट एल अपॉन जी। अरे तुम्हें फॉर्मूले से क्या करना, वो तुम्हें हम गिवन दे रहे हैं, डायमेंशनली चेक करना है, चेक करो। लगाओ LHS, LHS टाइम का क्या होगा टी, या फिर लिख लो एम जीरो एल जीरो RHS। आना जरा RHS पे घूमें, 2π का कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता है क्या? नहीं, ये डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, बोल ही देखा, इट इज अ डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं। आगे बढ़ो, रूट L का L और G का होता है एल टी माइनस टू। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एल टी माइनस टू, कल निकाला था ना, एल टी माइनस टू ही निकाला था। एल से एल कैंसल होता दिख रहा है, रूट के अंदर सिर्फ टी स्क्वायर बच रहा है, बाहर निकालोगे तो बचेगा एल एच इज इक्वल्स टू फॉर्मूला डायमेंशनली। और देख V इज इक्वल्स टू यू प्लस, जितने टर्म्स LHS में जितने टर्म्स RHS में उन सबके डायमेंशन फॉर्मूले क्या होने चाहिए? सेम। चेक करो LHS, V का LT माइनस वन, वेलोसिटी है देख LT माइनस वन, RHS दो टर्म्स है, U का तो दिख रहा है एल टी माइनस वन आते, इसका और चेक करो ए टी का, ए मतलब एक्सेलरेशन जिसका होता है एल टी माइनस टू और साथ में क्या है टी, तो एक और टी, तो एक टी गया, क्या बचा एल टी माइनस। तो RHS पे पाए जाने वाले दोनों टर्म्स, LHS पे पाए जाने वाला टर्म, सबके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? इट मींस LHS इज इक्वल्स टू फॉर्मूला इज डायमेंशनली। ये वाली एप्लीकेशन में कोई दिक्कत है क्या? बहुत सिंपल, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। आज कोई कम दिख रहा है यहां पर, कैंसिल में यहाँ पे बैठती थी ना, वो छोटी छोटी से योगी में कहाँ गए लोग भाई? अच्छा अच्छा, तो ऑनलाइन 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 चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। देखिए इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी मिटा दिया मैंने, कोई बात नहीं। According to this principle, according to this principle, only that formula is correct, only that formula is correct, comma, in which dimensions of the various terms, in which dimensions of the various terms on one side of the relation, on
वन साइड ऑफ द रिलेशन आर इक्वल टू that of the terms on the other side full stop. Question. Question. Check the correctness of the formula F is equals to G M1 M2 upon R square. Check the correctness of the formula G M1 M2 upon R square. LHS is equals to MLT minus 2. RHS is equals to G ka rakho. M L is 2. बिल्कुल है जरूरी. मैंने कल परसों बताया था कि डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है. मैंने कहीं पे भी देखो हमेशा ब्रैकेट बनाया, किसी भी एक के फॉर्म में ब्रैकेट नहीं छोड़ा होगा. उसी का मतलब फॉर्मूला होता है. बिना ब्रैकेट के लिखोगे तो इट इज नॉट अ फॉर्मूला. डायमेंशनल फॉर्मूला का पूरा पर्पस है ब्रैकेट के अंदर एम एल टी के फॉर्म में या बेसिक सेवन क्वांटिटी के फॉर्म में उसको लिखो. इस ब्रैकेट इज इंपॉर्टेंट. इसके बाद देखो, हेंस द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट. द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट. एग्जाम्पल नंबर टू वो भी कर लो. टी इज इक्वल्स टू टू पाई रूट एल अपॉन जी. टू पाई रूट एल अपॉन जी. लगाओ एलएचएस और आरएचएस सॉल्व करो जल्दी. लिखवाऊंगा थोड़ी है.
क्या बेटा? हाँ, एल मतलब लेंथ है, एल मतलब लेंथ है, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. कैपिटल लिख दिया करोगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा कैपिटल में लिखे जाते हैं. इसका हो गया वो, इसको भी चेक कर सकते हैं. इसका नहीं हुआ वो यहां देख सकते हैं. एलएचएस, एलएचएस में क्या लिखा हुआ है? टी. टी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? टी. आरएचएस, टू पाई का कुछ है नहीं, रूट के अंदर एल का एल लिख लो और जी एक्सेलरेशन है तो एल टी माइनस टू, एल से एल गया, रूट ऑफ टी माइनस टू ऊपर गया तो टी स्क्वायर बाहर आया. तो तीसरी एप्लीकेशन भी सिखा देता हूं. हो गया? ये तीसरा चेक कर लिया, आ गया. एम एल टू टी माइनस टू आया होगा दोनों तरफ, यहां तो दिख ही रहा है. एम मतलब एम, जी एल टी माइनस टू, और एच क्या है? एल. हाइट क्या है? एल है, तो लिख सकते हो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू. दिख रहा है आपको? यहां देखो, एम मतलब एम और एल टी माइनस वन का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर टी माइनस टू यहां पर भी बनता हुआ दिख रहा है दोनों से. लास्ट डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला. इसको सीधा क्वेश्चन से ही समझाया जाए, वही तरीका. डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला, आपको अगर पता है कि किसी फॉर्मूले में पर्टिकुलर क्वांटिटी किस किस चीजों पे डिपेंड करती है, तो आप निकाल सकते हो कि उसका फॉर्मूला क्या है. देखो कैसे, लिखिए लिखिए क्वेश्चन. क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन, हेडिंग डाल ली पहले, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला डाल लिया, इसके अंदर लिखे डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम which may depend on
मास ऑफ बॉब विच में डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब कॉमा लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अगर आपको किसी क्वेश्चन में सिर्फ इतना गिवन है तो आप उसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. कैसी गजब कलाकारी है, इसका बहुत ज्यादा यूज है. ये एप्लीकेशन इतनी ज्यादा यूजफुल है, इतनी ज्यादा यूजफुल है, आप पूरी क्लास 11th क्लास 12th का कोई भी फॉर्मूला इससे क्या कर सकते हो, ड्राइव. इफ यू नो कि जिस चीज के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हो वो किस किस पे डिपेंड करते. देखो यहां पे आप टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर दो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड. वो टाइम पीरियड आपको कहा जा रहा है किस किस पे डिपेंड करता है, मास मतलब एम. अब मास के स्क्वायर पे करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये सब नहीं करता. तो हमने एम की पावर क्या दे दी, ए. दूसरा किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल. अब लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली है कि स्क्वायर ऑफ इन्वर्सली है नहीं पता, तो लेंथ की पावर क्या दे दो. और किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मतलब कि जी इसके भी क्या है नहीं पता, टी के बाद प्रोपोर्शनलिटी साइन आओगे तो क्या आएगा, कॉन्स्टेंट. एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर. देखिए चलो दोनों तरफ की क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले रख दिए जाए, दोनों तरफ की जो क्वांटिटीज है उनके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या करो, रख दो. टी का क्या हो जाएगा, एम जीरो एल जीरो इज इक्वल्स टू के. के बारे में तो आपको नॉलेज है नहीं, एन मतलब एन की पावर एल मतलब लेंथ की पावर और जी मतलब एल टी माइनस की पावर. देख के चलना, एम की पावर अभी भी कितनी है, एक. एल की पावर अब हो जाएगी बी माइनस सी, सॉरी बी प्लस सी. यहां पे एल की पावर बी है, यहां सी का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एल की पावर सी टी की पावर माइनस टू सी. तो आप लिख सकते हो एल की पावर बी प्लस, इसमें किसी को कोई दिक्कत, यहां एल की पावर बी दिख रही, सी का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एल की पावर सी हो जाएगा, दोनों एल बेस सेम है तो एल की पावर आ जाएगा बी प्लस. आगे बढ़ टी की पावर माइनस टू सी इज इक्वल्स टू एम जीरो एल जीरो. अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है मतलब दोनों साइड के डायमेंशंस क्या होंगे, सेम. अगर सेम होंगे तो कंपेयर कर दो, एम को एम से एल को एल से टी को टी से, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एज जीरो, यू विल गेट बी प्लस सी एज जीरो एंड यू विल गेट माइनस टू सी इज इक्वल्स टू वन. माइनस टू सी इज इक्वल्स टू मतलब c इज इक्वल्स टू माइनस वन बाय. अगर c की वैल्यू माइनस वन बाय टू आ गई तो यहां से b की वैल्यू वन बाय टू आ जाएगी. b इज इक्वल्स टू वन बाय c की वैल्यू माइनस वन बाय टू क्या कीजिए पुट, तो यू विल गेट द b की वैल्यू एज वन बाय टू. आपको a b और c की वैल्यू मिल गई, यहां पे लो और पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर वन. पुटिंग A, B and C in equation. देखते जाओ T is equals to K. N की पावर तो जीरो, L की पावर क्या था, B. B कितना है, वन बाय टू. और T की पावर कितना है, C. सॉरी G की पावर कितना है,
सी, सी कितना है माइनस वन बाई आया कि नहीं, मतलब जी को नीचे लिख सकते हैं, जी की पावर वन बाय टू नीचे लिख सकते हैं, के एम तो गया, एम की पावर जीरो का मतलब वन गया, कहीं नहीं है इक्वेशन में, एल अपॉन जी की पावर वन बाय, और यू कैन राइट टी इज इक्वल्स टू के रूट एल अपॉन, अगर आपको पता है कि के की वैल्यू टू पाई है तो आप लिख सकते हो टी इज इक्वल्स टू टू पाई रूट एल अपॉन दैट अपॉन, ओके राइट, तो डिराइव तो हो जाएगा, मैं तो कर दूंगा, आपको सीखना है कैसे करना है, फिर से देखो, अगर आपको पता है कि कोई क्वांटिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको गिवन दिया कि पेंडुलम का टाइम पीरियड उसके मास पे डिपेंड करता है, उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन आपको यह नहीं पता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर टाइम्स डिपेंड कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता, पता है क्या, नहीं, मैंने लिख दिया T is proportional to m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c. प्रोपोर्शनलिटी से निकाला कॉन्स्टेंट, इक्वेशन नंबर हमारा टारगेट है a, b और c की वैल्यू को फाइंड करना, अगर मैंने वो वैल्यूज फाइंड कर ली तो फिर मैं इस फॉर्मूला पुट कर दूंगा, मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा, करो कैसे, दोनों तरफ के डायमेंशनल फॉर्मूले लिख दो, राइटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला On both the side of the terms, लिख दिए, अगर principle of homogeneity लगाओगे तो दोनों तरफ के terms के dimensions क्या होंगे, same, कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने लिख दिया m0 l0 t left side पर, RHS मतलब m तो mass की power a, l length l की power b, g lt minus 2 की power c, solve किया, m तो l, L की पावर B है और यहां C अंदर जाएगा तो L की पावर C, तो L की पावर B डॉट L की पावर C मतलब L की पावर B प्लस, और T की पावर कितना है माइनस टू इंटू माइनस टू, दोनों तरफ कंपेयर करोगे, यहां M की पावर जीरो है, यहां M की पावर A है, तो A कितना हो जाएगा जीरो, यहां पर अपन क्या यूज कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दोनों तरफ के टर्म्स के डायमेंशंस क्या होने चाहिए सेम, सेम होने चाहिए, तो ए कितना होना चाहिए जीरो, बी प्लस सी कितना होना चाहिए जीरो, और माइनस टू सी कितना होना चाहिए वन, कितने भी इक्वेशंस हो सॉल्व हो जाएंगे कि नहीं, यहां से टी की वैल्यू माइनस टू सी इक्वल्स टू वन रखा, सी कितना है माइनस वन बाई, यहां पुट कर दो, साइड चेंज करोगे बी कितना आ जाएगा वन बाई, तीनों की वैल्यू उठाओ इक्वेशन में क्या कर दो पुट, एन की पावर जीरो किया पुट खत्म हो गया, किसी की भी पावर जीरो मतलब वन, क्या बचा एल की पावर बी था, बी आया था वन बाय टू लिख दिया, जी की पावर सी था, सी आया था वन माइनस वन बाय टू लिख दिया, आगे बढ़े जी की पावर माइनस वन बाय टू मतलब नीचे लिख लो, बात तो वही है, नीचे लिख के उस पर वन बाय टू की पावर दे दो, पोल पे वन बाय टू आ जाएगी, रूट लगा दो के रूट एल अपॉन जी, अगर आपको पता है कि के की वैल्यू कितनी है टू पाई, इट मींस टी इज इक्वल्स टू टू पाई रूट एल अपॉन, कोई दिक्कत समझ में आया सबको, कोई इश्यू तो नहीं, किसी को भी डाउट हो पूछ लो, दिस ऑल थ्री एप्लीकेशन आर वेरी, हाँ अरे वन बाय टू को रूट में, वन बाय टू का मतलब रूट होता है, रूट तो पावर हटाई थोड़ी है, अरे देखो देख यहां तक क्लियर, ठीक, इसको लिख सकते हैं के एल की पावर हाफ अपॉन जी की पावर हाफ, या इसको लिख सकते हैं के पावर कैंसल नहीं होगी, कैंसल थोड़ी होगी, एल अपॉन जी की पावर हाफ, किसी की भी पावर हाफ क्या होता है रूट,
तो हाफ हटा के क्या लगा दिया, और कुछ, और कुछ नहीं लिखिए। क्वेश्चन लिख लिया था राइट। लेट टी इज प्रोपोर्शनल टू, ये लिख पहला स्टेप, लेट स्टेप नंबर वन, उसके बाद स्टेप नंबर टू, जिसको आप इक्वेशन नंबर वन दो, लिखो लाइन चेंज करके। नाउ राइटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला, नाउ writing the dimensional formula on both the sides, on both the sides, likh lo ye step comparing karke values nikal lo, ye do step likho pehle, ye step aur ye step likho। Listen this. What's up over? देखो कंपेयरिंग इस स्टेप के बाद, कंपेयरिंग ऑफर ऐसे ये लिख लो ए और बी और सी की वैल्यू, हाँ बेटा हाँ, कंपेयरिंग के बाद यहां से ए इज इक्वल्स टू जीरो, बी प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो एंड सी इज इक्वल्स या माइनस टू सी इज इक्वल्स टू वन, लिख लेना वैल्यूज निकाल के। देखो बी प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, फिर नीचे देखो माइनस टू सी, देखो माइनस टू सी इज इक्वल्स टू वन, तो सी इज इक्वल्स टू माइनस वन बाय फोर, ब्रैकेट मारो इसका, ए को ब्रैकेट मारो, ठीक है, फिर इसमें पुट कर दो वैल्यू सी की, वहां नीचे लिख दो, वैसे भी कह देते नीचे लिख दो बी इज इक्वल्स टू वन बाय पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन वन, in equation 1, likh lo ye ye ye, aur iske baad final ya upar ये भी फाइनल नहीं, इसके बाद आप लिखोगे इफ k इज इक्वल्स टू टू पाई, फिर आएगा फाइनल, हाँ पापा सब कुछ है मैम, हेलो हाँ नहीं पापा बस छोड़ रहे, पांच मिनट हम जैसे
की क्लास अटेंड हुई थी। हाँ 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 क्यों क्या हो गया नहीं? हाँ अच्छा हाँ ठीक है। हाँ हाँ दस मिनट में हो गया। हाँ इफ के इज इक्वल्स टू टू पाई फाइनल स्टेप लिख लो टी इज इक्वल्स टू टू पाई रूट एल अपॉन जी। टी इज इक्वल्स टू टू पाई रूट एल अपॉन जी ब्रैकेट एक क्वेश्चन लिखिए होमवर्क में। द सेंट्रिपेटल फोर्स सेंट्रिपेटल कैपिटल एफ acting on a particle moving uniformly in a circle may depend upon mass bracket mein m comma velocity bracket mein v comma and radius bracket mein small r of the circle first of derive the formula for f capital life.